हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि चिमनी के फ़िल्टर कुछ ही मिनट्स में आप कैसे साफ़ कर सकते हो। बहुत इजी है। मैंने एक ट्रेन क्लीनर का पाउच लिया है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। आप स्टेप्स फॉलो करना, प्लीज़ ध्यान से देखना। मैंने इस पर सारा एक पाउच जो है पाउच डाल दिया है, साथ में एकदम हॉट वाटर मैंने इसमें डाल दिया है, जहाँ तक आपका ये चिमनी फिल्टर्स जो हैं डूब जाते हैं। और उसको मैंने आधे घंटे के लिए तकरीबन छोड़ दिया। अब आप देख सकते हो पानी किस तरीके से पूरा इसका जो भी इसमें ग्रीस का ऑयल था वो निकल चुका है। अब आपको हॉट वाटर लेना है, मैंने आपने नहीं लगने वाली है। सारा पानी आप निकाल दें और एक स्क्रबर से, जूने से आप कह सकते हो, इसको खाली क्लीन करना है। इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया है, मैं खाली जूने से इसका जो उसमें पैर के जो आया था लग गया है वो हटा रही हूँ। आप बहुत इजीली ये हो जाता है, आप देखो कितना इजी है ये करना। और आप बस ये फॉलो करो स्टेप्स। देखो बस पानी में जितने देर मैंने डिप किया था उसके बाद आपके 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। कोई मेहनत नहीं है इसमें। सारा चाहे कितनी पुराना आप फिल्टर क्लीन करना भूल चुके हो, महीने 15 दिन चाहे 2 महीने भी, आप इजीली आप ये ट्रिक अपनाओगे, आप देखोगे आप सीरियसली इसको क्लीन करना इतना इजी है। मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ जब भी मुझे अपने फिल्टर्स क्लीन करने हो। और प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आई हो। आपको मैं टिप देना चाहूँगी, आप चिमनी के लिए मैंने स्पेशली ये टब लिया है। ये बहुत गहरा नहीं होता, आप कम पानी में ही, पानी की ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती है, ब्रॉड होता है जिसमें चिमनी इजीली आ जाती है। इसमें ही मैं स्पेशली खाली अपनी चिमनी इसमें धोती हूँ और बहुत मुझे ये अच्छा लगता है। तब अब मेरी चिमनी एकदम क्लीन हो चुकी है, लेकिन तो भी मैं एक बार हल्का सा विम लगा के इसको, ताकि इसमें प्रॉपर शाइन आ जाए, मैं इसको लगा के धो लूँगी। आप इसको नहीं भी लगाओगे तो भी एकदम क्लीन हो चुकी है, लेकिन मैंने विम लगा के थोड़ा धो लिया है और बहुत ईजीली आप देखो कितना इसमें शाइन आ गई है, एकदम क्लीन हो चुकी है। अगर आप हर 15 दिन या 20 दिन में धोते हो तो इतना ऑयल नहीं निकलता। मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, बीच में टाइम नहीं मिल पाया। अब देखो आप हो गया ना क्लीन। तो इसके बाद मैं अपना ये टब भी धो लूँगी क्योंकि सारी ग्रीस इसमें लग चुकी है। तो अब मैं इसको विम से धो के साइड रख दूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।